अभी हम लोग एनजेपी स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ पर डिब्रूगढ़ से एक ट्रेन आई हुई है, उनसे जो पैसेंजर है इनसे बातचीत करते कहाँ से आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ से आए हुए आप? हम लोग अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश से काम करने के लिए गए? काम करने के लिए। और घर कहाँ पे है? घर तो कृष्णनगर, नदिया डिस्ट्रिक्ट। नदिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कैसे आए अभी आप लोग? ट्रेन का सुविधा से आया। अच्छा, टिकट कितने ले रहे हैं? टिकट तो अपना मालिक ने कार्ड निकाल के दिया था, एक एक टिकट का 2500 रुपया 2600 रुपया बोल रहा था, ऐसा लिया है। मालिक ही करके दिए हैं? हाँ, मालिक ही करके दिया, कंपनी का मालिक टिकट बना के हम लोग को भेजा है। अच्छा, आप लोग क्या काम करते थे वहाँ पे? क्रेशर का काम। क्रेशर का काम करते थे। अच्छा, अभी अच्छा कैसी खाने मिल रही थी अगर ट्रेन में आपको मिला हो तो खाना? कुछ खाना बोले तो खाना अच्छा मिल रहा था ट्रेन में, वो तो सूखा वाला चीज़ मिल रहा था। और ट्रेन में बैठने का टाइम बाहर से खबर ले लिया था। पानी वानी थोड़ा बहुत मिल रहा था, वही खा। अभी कैसे जाएंगे यहाँ से? तो हम लोगों का गाड़ी आ रहा है, हम लोगों को लेने के लिए गाड़ी आ रहा। गाड़ी में जाएगा तो सीधा घर जाएंगे, क्वारंटाइन सेंटर जाएंगे? उधर जाके जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। अभी तो खुद का क्या डिसीजन लग रहा है, क्वारंटाइन? डिसीजन तो क्वारंटाइन होने से क्वारंटाइन में जाएगा, नहीं तो होम क्वारंटाइन में रखेगा तो वो भी हम लोग करेगा। चलिए, बढ़िया बात है, लोग जा रहे हैं। और ऊपर से भी आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो है वो एक एक करके उतर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं स्थिति एनजेपी से। अब देखिए कि हिमाचल प्रदेश से लोग जो है वो अभी आ रहे हैं और एक एक करते हुए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बेशक यहाँ पर ख्याल रखते हुए ही इनको ले जाया जा रहा है। जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे अधिकारीगण भी मौजूद हैं, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? आई एम फ्रॉम तिनसुकिया से आया। हाँ, तिनसुकिया। तिनसुकिया से आया। अभी कहाँ जाना है? अभी मेरा घर सिलीगुड़ी बाबूपाड़ा में। बाबूपाड़ा में वहीं जाना है। हाँ। अच्छा, उधर जाके क्वारंटाइन करना है, खुद को होम क्वारंटाइन या फिर क्वारंटाइन सेंटर में रहना है? होम क्वारंटाइन होंगे। होम क्वारंटाइन। चलो, बढ़िया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स भी है, लोग घर भी जा रहे हैं, बहुत सारे श्रमिक्स भी है, जो श्रमिक है जो बाहर से काम करने के लिए गए थे और इस बीच अपने घर को वापसी कर रहे हैं। लेकिन आप एनजेपी स्टेशन की हालत देखिए, फिलहाल एकदम शांत और शून्य परिवेश है कि यहाँ से उतनी ज़्यादा ट्रेनें जो है वो नहीं चल रही है। देशबंधु पाड़ा और बाबूपाड़ा जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, सिलीगुड़ी के जो लोग हैं उनको यहाँ पर एक हेल्थ कैंप है और उस हेल्थ कैंप पर शायद इनको कुछ पूछताछ की जा रही है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बातचीत चल रही है कि वो लोग होम क्वारंटाइन भेजेंगे या फिर क्या करेंगे, ऐसी स्थिति जो है वो भी देखी जा रही है। तो एनजेपी स्टेशन पर आप देखिए, जो मेरे पीछे आप देख सक रहे हैं कि एक सैनिटाइज करने के लिए एक रूम जैसे जो बनाया गया है, यहाँ पर बांस लगाकर इसको फिलहाल बंद की गई है। और जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, आपको नहीं दिख रहा कि लोगों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। हम लेकिन आगे भी चलेंगे, देखेंगे आगे की स्थिति क्या है और लोगों को किस तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है या फिर स्क्रीनिंग की जा रही है। देखिए, यहाँ पर एक टीम मौजूद है और ये किस तरीके से कामकाज करी ये भी हम आपको देखेंगे। साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और पीछे जो है लंबी एक कतारें जो देख रहे हैं आप, क्योंकि ट्रेनों में बहुत सारे लोग आते हैं तो वो सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ही यहाँ पर रुके हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कि प्रोसेस जो है उनसे रजिस्टर्ड भी किया जा रहा है, नामों को उनका रजिस्टर्ड किया जा रहा है, कहाँ से आए हैं, क्या बॉगी नंबर, उनकी सीट नंबर, कोच नंबर उनसे पूछा जा रहा है वो रजिस्टर्ड किया जा रहा है, उनको अभी यहाँ से कहाँ जाना है वो भी पूछा जा रहा है और फ़ोन नंबर जो है वो भी लिया जा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब प्रॉपर एक आपकी हिस्ट्री जानी जा रही है कहाँ से आए हैं कहाँ जाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से इनको एक रजिस्टर्ड का काम भी चल रहा है और सभी प्रिकॉशन ये लोग खुद भी लेके बैठे हुए हैं। लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ तक अभी तक तो नहीं दिखी कि कोई स्क्रीनिंग है, सैनिटाइज की व्यवस्था की गई, हो सकता अंदर किया जा रहा हो। तो चलिए अंदर भी चलते हैं जहाँ पर ट्रेनें रुक रही हैं, हम आपको दिखाते हैं। कुछ इंजिन्स भी अभी चल रही हैं एक दूसरे जगह से सेट करके, ट्रेनों को लाने आने जाने की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू है। तो और पुलिस जो है वो पूरे तरीके से मॉनिटर कर रही है स्थिति को, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन करवाया जा रहा है और जो निशान बनाए गए हैं उसको फॉलो करते हुए ही लोग रुक रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजधानी एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पर आई थी और यहाँ से अब जा रही है।
आप देख ही सकते हैं एनजीपी स्टेशन से फिलहाल यहाँ की स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारीगण जो थे वो भी मौजूद है यहाँ पर, कुछ लोग जो है शायद अपने अपने ट्रेनों के लिए वेट कर रहे हैं, वो स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए जिन लोगों की ट्रेनें अभी तक नहीं आई हैं या फिर वो लोग आके रुके हुए हैं, वैसे भी स्थिति आप देख पा रहे हैं। और लंबी लंबी कतारें जो है वो भी आप देखिए कि लोग रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं। देखिए जिस भी स्टेशन पर आप जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, तो आपकी जो लगेज होती है वो लोगों को जानते ही हैं कि 3, 4, 5, 6 भी लगेज होते हैं, तो उनको जो उठाने के लिए एक स्टेशन से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए कुली एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर कुछ कुली भाई हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे ये किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुशील राय। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, बिहार। बिहार का जी। और अभी यहाँ पे काम करने के लिए कितने सालों से काम? यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अच्छा, इस बीच कोरोना की जो महामारी देखी जा रही है तो लोग तो बहुत अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, उनके लगेज वो खुद ही लेके आ रहे हैं, तो आप लोग जिस तरीके से ले जा रहे हैं तो डर या फिर ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सैनिटाइज लगा हुआ कर करके काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। जी जी, काम तो करना ही पड़ेगा। जी, आप बताइए। अविनाश कुमार। अच्छा, यहीं पे काम करते हैं? जी हाँ। अच्छा, आप ग्लव्स वगैरह मास्क वक्स पहने हुए हैं? लेती है, उसके बाद सैनिटाइजिंग करवाते हैं हाथ को, उसके बाद फिर काम करते हैं। रेलवे से क्या क्या मदद मिली इसमें? रेलवे से हमें क्या मदद मिलेगी? रेलवे से हमें वही कुछ दिन आगे जो 2 किलो 4 किलो चावल मिली थी खाने के लिए, तो इससे तो चलने वाली नहीं है, फैमिली वगैरह रहती है तो उससे तो होने वाली नहीं है, फिर रोजी रोटी तो फिर तो काम तो करना ही पड़ेगा, रिक्स लेके जाए कुछ भी तो करना ही पड़ेगा ना, काम पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं तो वो कहीं से क्या आ रहे नहीं आ रहे वो आपको भी नहीं पता, तो कैसा डर वर ऐसा कुछ लग रहा है? क्या करेंगे, डर लगने से क्या है, डर करोना एक ऐसी चीज़ है उससे डरने के क्या, हिम्मत करना है, भरोसे जो भरोसा होता है वो करना चाहिए ना, विश्वास, तो उससे विश्वास करना ही पड़ेगा, काम तो करना। कोरोना एक वॉरियर ये लोग भी है, ये लोग भी एक कोरोना वॉरियर है और इनको हम सलाम करते हैं कि इस बीच भी पेट के वजह से लोगों को अपने अपने कामकाज को करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप लंबी लंबी लाइनें भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से लाइन जो है वो आगे की तरफ बढ़ती ही जा रही है, और यहाँ की स्थिति क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमें कोई स्क्रीनिंग या सैनिटाइजिंग की व्यवस्था ये पैसेंजरों के लिए नहीं देखी गई है, देखते हैं कि क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है भी या नहीं है। तो इस वक्त हमें जो जानकारी मिली है और हमने आपको यहाँ की स्थिति दिखाई, हमें रेलवे की तरफ से जो जानकारी मिली है कि कौन सी ट्रेनें जो है वो अभी आने वाली हैं, तो उसके अनुसार हम आपको बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस 02324 जो है वो अभी आई थी और चली गई, और डिब्रूगढ़ से भी एक ट्रेन आई थी और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसेंजर्स लोग यहाँ के जो है और इसके संलग्न इलाके के सिलीगुड़ी संलग्न इलाके के लोग वो लोग भी आए हुए थे। साथ ही 04596 चंडीगढ़ NGP टू गाज़ियाबाद जो कि आने वाली है वो रात के 12 बजे के बाद और तकरीबन 3 बजे के बीच जो है वो आ सकती है। इसके बाद 07028 हावड़ा NGP जो कि मालदा में फ़िलहाल पहुंची हुई है, अटकी हुई है, और वो शाम के 5-6 बजे के बीच आने वाली है। और 01834 ये भी एक ट्रेन आने वाली है, पुणे से एक ट्रेन आने वाली है, 01968 ये भी शाम को ही आने वाली है। साथ ही हम आपको कुछ और भी बता दें, चलिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि कौन सी ट्रेनें आने वाली है। 04596 ये आने वाली है, 01834 ये ट्रेन आने वाली है, 01968 ये ट्रेन भी आएगी, इसके बाद 04072 ये ट्रेन आने वाली है, 06505, 04138, 01845, 01650 ये सभी जो ट्रेनें हैं ये आने वाली है। और राजधानी एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से फ़िलहाल रवाना हो चुकी है, और डिब्रूगढ़ की एक ट्रेन आई थी जिसमें बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट, श्रमिक और भी अन्य लोग जो है वो भी आए थे। हम आपको बता दें कि फ़िलहाल हम NGP स्टेशन में मौजूद, और ये पेपर से पढ़ के और थोड़े मोबाइल पे पढ़ने के लिए हमने अपने ग्लव्स को खोला है, वरना हम ऑल टाइम पहन रहे हैं, प्रिकॉशंस के साथ चल रहे हैं। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ये भी बता दें, जितनी भी दृश्य हमने अब तक आपको NGP स्टेशन की दिखाई उसमें एक जगह भी आपको नज़र नहीं आया हमें कि कहीं पर स्क्रीनिंग हो रही हो या फिर कहीं पर लोग जो आ रहे हैं उनकी सैनिटाइज
हो रही हो, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं दिखी। हालांकि सैनिटाइजिंग करने के लिए लोगों को एक व्यवस्था जो है किया गया है, लेकिन वहां पर पूरे तरीके से बंद है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसी स्थिति, ऐसी लापरवाही जिस प्रकार से अभी बढ़ रही है, कोरोना की दरें, कोरोना की आंकड़े दिन प्रतिदिन, दो चार दिन पहले तक नहीं थी, लेकिन इस हफ्ते, माफ कीजिएगा, दो चार दिन पहले नहीं, ये जो हफ्ता स्टार्ट हुआ, इस हफ्ते में अगर आप देखते हैं तो अभी तक सिलीगुड़ी महकमा में कुल मिलाकर 4 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। और इस बीच वो कहां पर किनसे मिले, उनके फैमिली के सभी के टेस्ट किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से ये दरें बढ़ती है, कमती है, या फिर क्या होता है। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हर स्थिति आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां की स्थिति जो है वो कैसी बनी हुई है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि रेलवे की तरफ से अगर हम बात करें, न्यू जलपाईगुड़ी एक ऐसी उत्तर बंगाल की सबसे बड़े स्टेशन पर ऐसी लापरवाही आपको देखने को हमें मिल रही है। ये बहुत बड़ी एक गलती हो रही है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं बाहर से, और ये प्रश्न उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। अगर यहाँ से जितने भी लोग रह रहे हैं, जो कूली रह रहे हैं, जो अपने पेट के लिए दूसरे राज्यों से यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलतियों की जो स्थिति है वो देखी जा रही है कि आखिर क्या होगा एनजीपी स्टेशन की अगर इस तरीके से गलतियाँ चलती रहीं। हालांकि स्क्रीनिंग की व्यवस्था के लिए एक लोग होना चाहिए था, स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी, टेम्परेचर नापना चाहिए था, सैनिटाइज करनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ रजिस्टर्ड कर नाम, उनका पता रजिस्टर्ड कर उनको छोड़ दिया जा रहा है, और इस विषय पर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति जो है वो एनजीपी स्टेशन से देखने को मिली है। आप हमारे कमेंट सेक्शन पर अवश्य बताइएगा कि आखिर ऐसी गलतियों के लिए जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि सिलीगुड़ी शहर में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और यहाँ से लोग बहुत अलग अलग जगहों पर भी जाने वाले हैं, कोई लोग सीधे क्वारंटाइन सेंटर जाएंगे या फिर सीधे घर जाएंगे, ये उन पर ही ये लोग छोड़ दे रहे हैं। सिलीगुड़ी के एनजीपी स्टेशन से नेहा गुप्ता, एसके लाइव। 100% आयुर्वेदिक दमा दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा दमन सिरप, दमा दमन चूर्ण, दमा दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597380। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवेब्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवेब्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस।